ॐ श्रीः देवी भुजङ्गम् विरिञ्च्यादिभिः पञ्चभिर्लोकपालैः समूढे महानन्दपीठे निषण्णम् धनुर्वाणपाशाङ्कुशप्रोतहस्तम् महस्त्रैपुरम् शङ्कराद्वैतमभ्यात्। शंकर से जो अभिन्न शिव शक्ति कहते हैं ना, तो वो जो शिव से अभिन्न जो शक्ति है वो हमारी रक्षा करे, और वो तेजस्वरूप है, भर्गस्वरूप है, महा महनीय महात्मा वगैरह कहते हैं ना, यानी पूजनीय। और वह विरिंच्यादि भी पंचभिर्लोकपालैः सह, वैसे भी पंच प्रेतासनासीना ऐसा कहा गया है ना, तो वो पंचदेव पंचलोकपाल पंच प्रेत इन सब से युक्त होकर के सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी महानंद पीठे निषण्णम वहां पर विराजमान, महानंद के पीठ में, महानंद के आनंद, आनंद के अधिष्ठान में, सच्चिदानंद घन के अधिष्ठान में विराजमान, और धनुर्बाण पाशांकुत प्रोतहस्तम, जो आकर्षण शक्ति का जो प्रतीक धनुष है, और पंच तन्मात्राओं के प्रतीक पांच बाण हैं, और मन्यु क्रोध का प्रतीक अंकुश है, और मोह का प्रतीक राग का प्रतीक पाश है, उन सब से युक्त होकर के। और ये जो त्रिपुर, त्रिपुर माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यही त्रिपुर है। इंद्रियों से संवेद होना, जागृत हो गया, और मन से अंतकरण से युक्त होकर के स्वप्न देखता है, और मन और इंद्रिय और अंतकरण इन सब से रहित होकर के केवल प्राण स्वरूप रह करके सुषुप्ति में रहता है। तो ये जो त्रिपुर है यही शंकर है, इसी को ब्रह्म कहते हैं, उसकी अभिन्न शक्ति माया जो है वो हमारी रक्षा करे। यदन्नादिभिः पञ्चभिः कोशजालैः शिरःपक्षपुच्छात्मकैरन्तरन्तः निगूढे महायोगपीठे निषण्णम् पुरारेः अथान्तःपुरम् नौमि नित्यम्। जो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय आदि कोश हैं, इन कोश के जालों में फिर इनके पांच पांच विभाग किए हैं। शिर वाम पक्ष दक्षिण पक्ष, और आत्मा और पुच्छ। तो इन पांच कोशों के फिर एक एक कोश के पांच पांच विभाग, इन सब से युक्त होकर के इन सब के अंतर में, सबके अधिष्ठान स्वरूप में जो विराजमान है, निषण्णम विराजमान जो है, वो जो शक्ति है, जो भगवान पुरारी भगवान शंकर का अंतपुर है, अंतकरण है, उनके निधिध्यासन का, उनके ध्यान का जो लक्ष्य है, मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम्। तो वो जो माया शक्ति यदि नहीं हो तो उनको माया भी कैसे कहेंगे। उनको मायी कहा जाता है, माया और मायी। तो उनका जो अंतपुर है, उनके जो ध्यान का विषय है, उनकी जो अपनी शक्ति है, जैसे सूर्य की अपनी शक्ति प्रभाव होती है, ऐसे ही स्वभाव उनका, जैसे जल का शैत्य स्वभाव है, ऐसे ही मायावी का अथवा मायी का माया स्वभाव है। तो ये जो जगत है वो भगवान का अपना ही प्रकट रूप है। तो उसको, उस अंत शक्ति को अहम नित्यम नौमि, उस अंत शक्ति को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। विरिञ्चादि रूपैः प्रपंचे विहृत्य
और ब्रह्मा के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में अथवा सूर्य के रूप में जो जगत की सृष्टि करते हैं और जगत में विहार करके, स्वतंत्रा यदा स्वात्म विश्रांति रेशा, और स्वतंत्र स्वतंत्र माने अपना ही अधिकार, अपना ही शास्त्र, अपनी योग्यता के अनुसार अपने ही आत्मा में जो विश्रांति लेता है, यानी सृष्टि करने के बाद फिर प्रलय करता है, जागृत होने के बाद फिर सुषुप्ति आती है, तो अपने ही आत्मा में विश्राम करता है, अपने ही आत्मा में स्वप्न की सृष्टि कर लेता है, और फिर उस कमरे को बंद करके निद्रा में लीन हो जाता है, उसी का नाम प्रलय है। तो उस समय पर तदा मान मात्र प्रमेयातिरिक्तम परानंदम, फिर वहां पर न प्रमाण रहता है, न प्रमाता रहता है, न प्रमेय रहता है, सारे जगत का खेल देखने वाला और दिखने वाला दोनों बंद हो जाते हैं, अहंकार भी प्रसुप्त हो जाता है ना, अहम इति प्रसुप्ते। तो तब माता मान में इसे रहित होकर के केवल परानंद रूप में जो आप रहती हैं भवानी, वो केवल आप ही हैं, वह आपका ही पद है, त्वदीयम् त्वदीयम् परानंदम् ईडे, उस परानंद को मैं नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ। जागृत में भी आनंद है, स्वप्न में भी आनंद है, सुषुप्ति में भी आनंद है, आनंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन जागृत का व्यवहार, सुषुप्ति का व्यवहार और स्वप्न का व्यवहार, इन सब में जो द्वैत त्रैत रहता है, इन सब को हटा करके केवल आनंद स्वरूप जब रह जाए तो उसकी मैं स्तुति करता हूं। विनोदाय चैतन्यमेकं विभज्य द्विधा देवी जीव शिवश्चेति नाम्ना शिवस्यापि जीवत्वमापादयन्ति पुनर्जीवमेनं शिवं वा करोषि। एक ही चैतन्य को दो विभाग करके वही चैतन्य अंतःकरण बन जाता है, जीवात्मा बन जाता है, कर्ता भोक्ता बन जाता है, संसारी बन जाता है, आने जाने वाला बन जाता है। एक ही चैतन्य भोक्ता और भोग्य के रूप में परिणत हो जाता है, शरीर और अंतःकरण इसका तो सभी को अनुभव है, ठीक है ना? तो शरीर जो है वो भोज्य है और अंतःकरण भोक्ता है। तो विनोदाय माने खेल के लिए, क्रीड़ा करने के लिए एक चैतन्य को दो विभाग करके जीव और शिव ऐसे दो नाम हो जाते हैं, एक खाने वाला और एक खिलाने वाला, एक खा करके आनंद लेता है, एक खिला के आनंद लेता है, ये जीव और शिव। शिवस्यापि जीवत्वम् आपादयन्ति, और जो जो पौराणिक जो कथा है कि शिव जी ने जहर पिया लेकिन हृदय में वो जो आनंद और चैतन्य की जो शक्ति थी उसने उनको अमृत बना दिया, जहर को अमृत बना दिया। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। तो जो सत है वही अमृत है, सत है वही नित्य है। तो नित्य होने से शिव जी मरे नहीं है, जीवत्वम आपादयंती, और शिव जी को जीव बना देती है, यानी कि छोटा परिच्छिन्न बना देती है। तो जीवत्वम आपादयंती, एक तो मुर्दे को जिंदा करना एक बात, वो तो पौराणिक कथा है कि विष का कोई असर नहीं हुआ पार्वती के कारण, क्योंकि हृदय में पार्वती शक्ति थी, माया शक्ति थी, और वेदांत के ढंग से शिव ही जीव बन गया। शिवस्यापि जीवत्वम् आपादयन्ति, है तो शिव माने ब्रह्म लेकिन बन जाता है, भ्रांति के कारण बन जाता है जीव, भूल जाता है, दशमस्तमसि, भूल गए कि दशमा कौन है। पहले तो मालूम था, 10 निकले थे तब तो मालूम था, बाद में जब गिनने लगे तो अपने को गिनना भूल गए। तो शिवस्यापि जीवत्वम्, और फिर रोने लग गए कि दशमा कहीं चला गया, और दशमे वो खुद ही थे। तो शिवस्यापि जीवत्वम् आपादयन्ति,
है, जो ज्ञानी है वो अज्ञानी बन जाता है, शिव जीव बन जाता है, और पुनर्जीव में नम शिवम बाकरोषी, और फिर वही उसी जीव को वो कोई तत्व ज्ञानी आ जाता है, वो कहता है कि दसमें तुम ही हो। दसमस तुमसी, अरे तुमने अपने आप को गिनना तो भूल ही गए तुम। तो पुनर्जीवम एनम एनम जीवम पुनः शिवम करोषि, फिर इसको तुम शिव बना देती हो। फिर बोले आनंद हो गया, बोले दसवां मिल गया, दसवां मिल गया। समाकुंच मूलम हृदिन्यस्य वायुम मनोभ्रूबिलम प्रापयित्वा निवृत्ता ततः सच्चिदानंद रूपे पदे ते भवत्यंब जीवा शिवत्वेन केचित्। अब इसमें योग की विधि बताते हैं कि मूलम समाकुंच है, मूलाधार का आकुंचन करके, सम्यक आकुंचन करके अच्छी तरह से, ऊपर की तरफ आकुंचन करके, और फिर वायु को नाभि मार्ग से ऊपर उठाते हुए हृदय में लाके रख दो, हृदय न्यस्य वायुम, और मन को भ्रूविलम प्रापयित्वा, मन को आज्ञा चक्र में जाके स्थिर कर दो। मन माने ज्ञान, जो आपकी जानने की वृत्ति है, वो वहां पर जो आज्ञा चक्र में जो आकाश है, उस आकाश में निवृत्त हो जाओ, सब छोड़ छाड़ के वहीं बैठ जाओ, वहीं पर आज्ञा चक्र में बैठ जाओ। फिर ततः माने इसके बाद सच्चिदानंद रूपे ते पदे, जो आपका जो सच्चिदानंद रूप पद है, वही असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय, ये बृहदारण्यक की श्रुति है। तो जो सत है वही चित्त है, वही अमृत है। भवत्यंब जीवा शिवत्वेन केचित, केचित जीवा शिवत्वेन भवन्ति, हे अम्ब केचित जीवा, तो जब वहां पर आज्ञा चक्र के आकाश में जब स्थित हो जाते हैं, तो उनको दिख जाता है कि मैं ही सत हूँ, और मैं ही जानने वाला हूँ, और मैं नित्य हूँ, और मैं नित्य आनंद घन स्वरूप हूँ। मैं ही सबका अपना प्रिय हूँ और सबका प्रिय हूँ, यानी सबका प्रिय करो, सबको सुख दो, दुखी मत हो और सुख दो, और जियो और जीने दो, और किसी को बेवकूफ मत बनाओ और खुद भी बेवकूफ मत बनो, ज्ञान स्वरूप रहो और सबको ज्ञान स्वरूप बनाओ, आनंद में रहो और सबको आनंद दो, और जीवित रहो और सबके जीवन के सुलभता की व्यवस्था करो। तो यह धर्म हो गया, सच्चिदानंद क्या हो गया, धर्म हो गया, कर्तव्य हो गया, और यही तत्व भी है, यही तत्व ज्ञान है, यही कर्म ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद। अब छठे श्लोक में शरीरेति कृष्टे शरीरेति कष्टे रिपौ पुत्रवर्गे सदा भीति मूले कलत्रे धने वा न कश्चिद् विरज्यत्यहोदय विचित्रम कथम त्वत्कटाक्षम विना तत्वबोध। और शरीर तो बड़ा ही कष्ट रूप है, गर्भावस्था में बड़ा कष्ट होता है, कोमल शरीर होता है, और वो जो वहाँ जो बैक्टीरिया जो कृमि हैं, कृमि वो काटते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है उस समय, और जीवन भर कष्ट ही होता है, बचपन में कष्ट है, जवानी में कष्ट है, बुढ़ापे में कष्ट है, बीमारी में कष्ट है, और आधी कोई मानसिक रोग हो जाए तो उसमें भी कष्ट ही कष्ट है। और रिपऊ शत्रुओं से कष्ट होता है, अगर आप मूर्ख हैं तो कष्ट है, अगर आप विद्वान हैं तो कष्ट है, आप निर्धन हैं तो कष्ट है, आप अगर धनवान हैं तो कष्ट है, आपका यश नहीं है तो कष्ट है, आपका यश है तो कष्ट है, तो कष्ट ही कष्ट है चारों तरफ रिपु, और वो षड रिपु तो आप जानते ही हैं, काम क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह,
मद और मात्सरी और निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम धीर्य सूत्रता षड रिपवः, छह शत्रु हैं। तो और पुत्र वर्ग शरीर में कष्ट है, शत्रुओं से कष्ट है, और पुत्रादि जो वर्ग है उसमें भी वो भी कष्ट ही देते हैं, जब आज्ञा नहीं मानते तो कष्ट देते हैं। सदा भीति मूले, ये हमेशा ही भय का मूल है। कलत्र धनेवा, और कलत्र माने पत्नी और धन, ये सभी कष्ट देते हैं। कमाने में कष्ट, रक्षा करने में कष्ट, और नाश हो जाए तो कष्ट। तो कोई कश्चित विरज्य, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई इसमें से वैराग्य प्राप्त करता है, कोई इसकी अनित्यता और दुख रूपता को देख करके, कोई भाग्यवान वैराग्य को प्राप्त हो करके मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन ये सब तुम्हारी कृपा कटाक्ष के बिना नहीं हो सकता। न कश्चित, हाँ, तुम्हारी कृपा कटाक्ष के बिना नहीं हो सकता। बिना त्वत कृपा कटाक्षम तत्वबोध न, त्वत कृपा कटाक्षम बिना तत्वबोधो न भवति, कि वो आनंद स्वरूप में ही हूं। वो समझता क्या है कि आनंद धन पुत्र कलत्र और शरीर आदि में आनंद है, जहां आनंद नहीं है अनित्य में नित्यता देखता है, अशुचि में शुचित्व देखता है, असुख में सुख देखता है, यानी भ्रम ज्ञान होता है। भ्रम ज्ञान मिट जाए और प्रमा ज्ञान हो जाए, ये बात है। तो ये त्वत कृपा कटाक्षम बिना तत्वबोधो कथम अभी न होवति। शरीरे धने पत्यवर्गे कलत्रे विरक्तस्य सद्देशिका दिष्टबुद्धेः यदाकस्मिकं ज्योतिरानन्दरूपं समाधौ भवेत् तत्त्वमस्यम्ब सत्यम्। तो जब वैराग्य हो जाएगा तो समाधि में सत्य तत्व का ज्ञान होगा, और वो तत्व अम्बा आप ही है। शरीर में, धन में और पुत्रादि वर्ग में और कलत्र माने पत्नी में, सब जगह सप्तमी है। शरीर है, धन है, अपत्य वर्ग है, कलत्र है, इन सब से जो विरक्त है और सद्देशिकादिष्ट बुद्धे, सद्गुरु से प्राप्त जो धर्म ज्ञान है उसमें जिसका निश्चय है, बुद्धे माने निश्चय वाला, श्रद्धा वाला, और विरक्तस्य, और जो विरक्त है इन्हीं में, शरीर में, धन में और पुत्र में और कलत्र में, इसको वो तीन ईषणा भी कह लेते हैं, पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा और लोक ईषणा, ऐसे कह लेते हैं। तो शरीर है, धन है, अपत्य वर्गे कलत्रे, अपत्य वर्गे कलत्रे, ये दोनों पुत्र ईषणा में आ गया, और वित्त ईषणा में धन आ गया, और लोक ईषणा में शरीर आ गया। इन सब से जो विरक्त है और सद्देशिका माने सद्गुरु के द्वारा जो आदिष्ट अथवा उपदिष्ट जो उपनिषद तत्व ज्ञान है उसमें जिसकी निश्चय बुद्धि है, वो यदा आकस्मिकम ज्योतिरानंद रूपे, वो जो आश्चर्य स्वरूप आनंद स्वरूप जो ज्योति है सच्चिदानंद घन स्वरूप, उसको समाधि में जो देखता है वो सत्य तत्व आप ही है अम्बा। मृषान्यो मृषान्य परो मिश्रमेनम पर प्राकृतम चापरो बुद्धिमात्रम प्रपंचम मिमीते मुनीनाम गणोयम तदे तत्वमेवेति नत्वाम जहीमः। तो वो जो शास्त्रार्थ करते हैं लोग कि ये ध्रुव है कि अध्रुव है, नित्य है कि नित्य है, मिथ्या है कि सत्य है, ये सत्य है कि वो सत्य है, ये असत्य है कि वो असत्य है, अन्य मृष, ठीक है ना।
और कुछ लोग कहते हैं कि दोनों मिश्रित हैं, सत्य असत्य है, ध्रुव अध्रुव है, प्रवाह रूप से नित्य है, परमाणु रूप से नित्य है, और परमाणुओं के संयोग के रूप में अनित्य है, घड़ा रूप से अनित्य है और पृथ्वी रूप से नित्य है, और कुछ लोग कहते हैं मिश्रित है, परः प्राकृतम चापरो बुद्धिमात्रम, कुछ लोग कहते हैं सूक्ष्म है और कुछ लोग कहते हैं स्थूल है, कुछ लोग कहते हैं अपरोक्ष है, कुछ लोग कहते हैं परोक्ष है, तो ये सब कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी कल्पना का खेल ही है, बुद्धिमात्रम है, ठीक है ना। तो इस तरह से मुनियों के जो गण हैं वो प्रपंचम मिमीते, प्रपंच का अनुमान करते हैं, उसको मिमीते माने मान करते हैं, वो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शाब्द, उसी को आगम भी कहते हैं, और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये वेदांत में 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। तो ये मननशील जो मुनि हैं वो प्रपंच का इस तरह से अनुसंधान करते हैं, लेकिन वो सब आप ही हो, हम आपका त्याग नहीं कर सकते। तदे तत्त्वम एवेति, तद एतत्त्वम एवेति, वह सब तुम ही हो, प्रमाण रूप से आप ही हो, इसलिए हम वो प्रमाण का ज्ञान त्याग नहीं कर दे, प्रमाण रूप से आपको ही हम स्वीकार करते हैं, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, और प्रमाता माता प्रमाता, तो वही उसी को माता कहते हैं, उसी को प्रमाता कहते हैं, ये अद्भुत है। अब यहाँ पर ये तंत्र शास्त्र में जो 5 कलाएं हैं उसका वर्णन करते हैं, निवृत्ति ही प्रतिष्ठा च विद्या च शांति तथा शांत्यतीतेति पंचीकृता भी कला भी परे पंचविंशात्मका भी स्वमेवैकसेव्या शिवाभिन्न रूपा। तो ये जो पृथ्वी आदि पंच तत्व हैं उनके प्रतिनिधि रूप में, अधिष्ठान रूप में, जो जिनको पंचदेव या पंचलोकपाल भी कहते हैं, तो उनकी जो कलाएं हैं वो भी 5 हैं, वो है निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति और शांतितीता। तो इनको भी विभाग करके समझ लो कि निवृत्ति पृथ्वी में रहती है, प्रतिष्ठा जल में रहती है, विद्या अग्नि में रहती है, शांति वायु में रहती है, और शांतितीता आकाश में रहती है, ऐसे विभाग कर लो। ऐसे ही विभाग है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया और तुरियातीता, ऐसे 5 कर लेते हैं। तो निवृत्ति है, सबका लय हो जाता है पृथ्वी में, पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं, अन्नाद्येव खलुमानि भूतानि जायन्ते, अन्य न जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ते विषमिषन्ति थी, तो अन्न में ही फिर लय हो जाता है, अद्यते अत्ति च इति अन्नम, जो खाया जाता है और जो खाता है वो दो, उसको अन्न कहते हैं। तो उसको निवृत्ति कला पृथ्वी में रख लो, और प्रतिष्ठा जल में, जीव का निवास कहाँ पर है, जल में, वहीं आता है फिर वहीं विलीन हो जाता है, जल ही सूक्ष्म हो जाता है तो कहते हैं परलोक गमन हो गया, फिर प्रकट हो जाता है तो कहते हैं जन्म हो गया। और विद्या अग्नि में रख लो, और शांति को वायु में रख लो, प्राण का निरोध करो तो मन शांत हो जाता है, और आकाश में शांति तीता, शांति से भी ऊपर, शांति का भी अतिक्रमण करके, शांति का भी जहाँ भोक्ता भोगी भाव न रह जाए, ज्ञाता ज्ञेय भाव न रह जाए, तो वो शांति तीता हो गई। तो आकाश ब्रह्म है, ऐसा एक श्रुति वाक्य है, आकाशाद्येव सर्वाणि भूतानि जायन्ते। अब एक तरफ तो कह दिया कि आकाश से ही सर्वभूतों की उत्पत्ति होती है, तो आकाश भी तो एक भूत है ना, तो यहां पर आकाश शब्द से ये भूताकाश नहीं लेना, आकाशस्तल्लिंगात, ये ब्रह्मसूत्र है ना, तो वहां पर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म किया,
क्योंकि सर्वाणि भूतानि जायन्ते, जब सब भूत पैदा होंगे तो उसमें आकाश भी पैदा होगा। तो वो आकाश कौन है? तो वो आकाश ब्रह्म है। आकाशस्तल्लिंगात, लिंग माने चिन्ह। जैसे धूम लिंग है, अग्नि का लिंग है धूम। तो ये निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांतितीता, इन कलाओं के द्वारा फिर इन्हीं का जो पंचीकरण हो जाता है तो पंचविंशति तत्व बन जाते हैं। पंचविंशात्मिका भी त्वम एका एव सेव्या, इनमें केवल आप ही जो चित स्वरूपा और शिवा भिन्न रूपा हैं, शिव से अभिन्न रूपा हैं, वो केवल आप ही सेव्य हैं। शांतितीता, शांतितीता रूप से, आकाश रूप से। अगाधेऽत्र संसार पंके निमग्नं कलत्रादिभारेण खिन्नं नितान्तं महामोहपाशौघबद्धं चिरान्मां समुद्धर्तुमम्ब त्वमेवैकशक्ता। हे अम्बा, केवल आप ही इस महान घोर गंभीर संसार समुद्र से उद्धार करने में केवल आप ही समर्थ हैं। तो संसार का स्वरूप बताते हैं कैसा है। एक तो अगाध है, इसके मूल का तूल का कुछ पता नहीं लगता। जैसे वट वृक्ष में मूल होता है ना, फिर उसकी जो शाखा प्रशाखाएं फैलती हैं उसको तूल कहते हैं। तो मूला विद्या और तूला विद्या। मूल विद्या, मूला विद्या, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ठीक है, फिर मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं हिंदू हूं इत्यादि, यह तूला विद्या है। फिर मैं गृही हूं, वानप्रस्थी हूं। अगाधे अत्र संसार पंके निमग्नम, संसार रूपी कीचड़ में, अगाध कीचड़ में मैं फंसा हुआ हूं। और कलत्रादि भारेण खिन्नम, एक तो फंसे हुए और फिर ऊपर से भार भी हो, एक तो उठ नहीं सकते कीचड़ में से, दलदल में से निकल नहीं सकते, और भार भी हो तो और वो और अंदर घुसाएगा। तो कलत्रादि भारेण खिन्नम, नितांतम खिन्नम। कलत्रादि माने स्त्री पुत्रादि के भार से अत्यंत दुखी हूं। और महामोह पाशौघबद्धम निमग्नम चिरान्माम, और महामोह के पाश में बंधा हुआ हूं, यानी वो भजन को फेंक भी नहीं सकता। जो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव है उसको हम फेंक भी नहीं सकते मोह के कारण। तो अनंत जन्मों से चिरान माम बद्धम, अनंत काल से मैं इसमें बंधा हुआ हूं। सो हे अम्ब, त्वम एका एव समुद्धर्तुम शक्ता, केवल आप ही इसमें से हैं, अविद्या में से कौन उठाएगा? विद्या उठाएगी, अज्ञान का नाश ज्ञान करेगा। तो केवल ज्ञान की ही शरण है, केवल विद्या की ही शरण है। ब्रह्म को कौन हटाएगा? प्रमा हटाएगी, ब्रह्मा को प्रमा हटाएगी। समारभ्य मूलं गतो ब्रह्मचक्रं भवद्दिव्यचक्रेश्वरी धाम भाजः महासिद्धिसंघातकल्पद्रुमाभा नवाप्याम्बनादानुपास्ते च योगी। अब मूलाधार से आरंभ करके ब्रह्मचक्र माने सहस्रार चक्र तक, जो कि आपका दिव्य धाम है। हाँ, सारे चक्रों की ईश्वरी आप ही हैं। तो उस दिव्य धाम में, जो कि महा सिद्धियों का जहां पर संघात इकट्ठा हुआ है, फिर जो इच्छा करो, जैसे ब्रह्म के संकल्प मात्र से सृष्टि हो जाती है, ऐसे ही सृष्टि तो आप भी करते हैं स्वप्न में, लेकिन आप क्या सृष्टि करेंगे ये आपको पता नहीं होता, ठीक है ना? वो होती है और करने वाले भी आप हैं, लेकिन आप ये नहीं, आपको ये मालूम नहीं होता है कि हम ही कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अगर ये हो जाए तो आप ब्रह्मा हो गए।
तो महासिद्धि संघात कल्पद्रुमाभा, कल्पद्रुमाभा माने जैसी इच्छा करो, और इच्छा भी ऐसी करो जो कि कल्याणकारिणी हो। ऐसी इच्छा आप कर लो कि हम ही मर जाएं जैसे कि लोग कर लेते हैं। तो कल्पद्रुमाभा ऐसे उस आनंद धाम में, जिसकी के योगी लोग नाद अनुसंधान के रूप में उपासना करते हैं, वह हे अम्बा आप ही हैं। तो नाद का अनुसंधान करते हैं, नौ नाद, नौ प्रकार के नाद होते हैं, तो धीरे धीरे उनका विकास का क्रम योग शास्त्रों में बताया हुआ है। गणेशैर्ग्रहैरम्ब नक्षत्र पंक्त्या तथा योगिनी राशि पीठैरभिन्नम् महाकालमात्मानमामृश्य लोकम् विधत्से कृतिम बा स्थितिम बा महेशी। अब जो अनुग्रह के देवता गणेश जी हैं, उनके रूप में आप ही हैं, और ये नौ ग्रह हैं अथवा सात ग्रह हैं, इनके रूप में आप ही हैं। नक्षत्र की पंक्तियों के रूप में जो ज्योतिपुंज हैं आकाश में, वो भी आप ही हैं, हैं गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी। तो ये तो वो ज्योतिष का क्रम है, और श्री चक्र में भी योगिनी होती हैं। श्री चक्र में कितने नौ चक्र हैं ना, तो नौ चक्रों में वो उनके विभाग के अनुसार, एक तो नौ चक्रों की महायोगिनी है, जैसे त्रिपुरा, त्रिपुरेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुराम्बा, महात्रिपुर सुंदरी वगैरह वगैरह, और उनमें जो कोण है उनमें भी एक एक योगिनी बैठी हुई है। सब मिला के करीब 108 योगिनी हो जाती हैं। वो जो खड्गमाला है ना, खड्गमाला में उनका सबका नाम है। तो वो योगिनी रूपा और राशि रूपा, राशि ये जो मकर कुंभ आदि राशि है ना, जहाँ सूर्य भ्रमण करता है, सूर्य नक्षत्र ये ग्रह ग्रह वगैरह सभी भ्रमण करते हैं, इन सबसे आप अभिन्न हैं। आप ही गणेश रूप हैं, आप ही ग्रह रूप हैं, आप ही योगिनी राशि नक्षत्र, ये सब आपके ही रूप हैं। अभिन्नम महाकालमात्मानमामृश्य लोकम विधत्से कृतिम बा स्थितिम बा महेशी। और काल सर्वस्य कारणम ये कहा जाता है। तो काल, जब सृष्टि काल होता है तो सृष्टि हो जाती है, प्रलय काल होता है तो प्रलय हो जाता है। तो महाकाल को अपने साथ आमृष्य माने आलिंगन करके लोकम विधत्से, है काल के साथ एक रूप हो करके आप विधत्से माने सृष्टि, सृष्टिम करोषि, सृष्टि करती हो, स्थिति करती हो और लय करती हो। स्थितिम्बा कृतिम्बा विधत्से, कृति और स्थिति ये आप करती हैं हे महेशी, ये सब आपके द्वारा होता है। लसत्तारहारा मति स्वच्छ चेलाम बहंतीम करे पुस्तकम चाक्षमालाम शरच्चंद्र कोटि प्रभाभासुराम त्वाम सकृद्भावयन् भारती वल्लभ स्यात्। अब यहाँ पर एक ध्यान की एक प्रक्रिया बताई कि तुमको विद्याधीश्वर, आप विद्येश्वर कैसे बन सकते हो, भारती वल्लभ वाचस्पति कैसे बन सकते हो। उसके लिए एक ध्यान का स्वरूप बताया कि सुंदर मोतियों की, हीराओं की, सफेद सफेद चमकीले रत्नों की माला पहनी हुई है, और अति स्वच्छ चेलाम, चेलाम माने जो दुकुल वस्त्र है, चोली है, वो अत्यंत स्वच्छ है, अत्यंत सफेद। भगवती सरस्वती की जिसको उपासना करनी हो उसको सफेद सफेद कपड़े पहनने चाहिए सफेद फूलों से देवी की आराधना करनी चाहिए,
और सफेद ही खाना चाहिए, दूध खीर भात ऐसी सफेद चीज खाओ, सफेद चीज पहनो, सफेद कमरे में रहो, सब ऐसा। तो भगवती कैसी है? अति स्वच्छ चेलाम, उसकी जो चूलिका है, चोल वस्त्र है अथवा उत्तरीय वस्त्र है, वो अति स्वच्छ है एकदम, वो है ना, श्वेता शुक्लाम्बर या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, अथवा शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद्व्यापिनीम। तो वो जो शुक्लत्व है, वो शुभ्रत्व, वो तम के विरोधी है, अज्ञान के विरोधी है, सत्वगुण का प्रतीक है शुक्लत्व। अति स्वच्छ चेलाम, और करे पुस्तकम वहंतीम, तो नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। और अक्षमालाम, और उसका रिपीटेशन है, उसकी जप पुनरावृत्ति करनी चाहिए, जो वेद पढ़ा उसका वेद का फिर जप करो। और शरत चंद्र कोटि प्रभा भासुराम त्वाम, और करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा, कार्तिकी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान भासुराम, भासुराम प्रतिभा युक्त, भायुक्त, प्रकाश युक्त, कांति युक्त, त्वाम ये भजन्ते, त्वाम आपका जो भावना करते हैं, आपकी जो भावना करते हैं, वे भारती वल्लभ स्यात्, वो भारती माने सरस्वती को प्रिय हो जाते हैं, सरस्वती के पति हो जाते हैं, वाचस्पति वाणी पति बन जाते हैं। समुद्यत सहस्रार्क बिंबा भवक्त्राम शुभासैव सिंदूरिता जांड कोटिम धनुर्बाण पाशांकुशां धारयन्तीं स्मरन्तः स्मरं वापि सम्मोहयेयुः। और ये कामराज विद्या को बताने के लिए है कि उदय उदय होते हुए है नवोदित प्रभातकालीन लाल लाल रक्तिम सूर्य के समान, सहस्रार्क बिंबाभवक्त्राम, करोड़ों करोड़ों सूर्य उदय हो रहे हों, तो उस समय जो लाली होती है, ऐसी लाली सिंदूरिता जांड कोटिम, और जिसके द्वारा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सिंदूरित हो रहे हैं, लालिमा युक्त हो रहे हैं, स्वभासैव अपनी ही भासे, अपनी ही प्रभा से, और आकृति में धनुर्बाण पाश अंकुश को धारण किए हुए, ये सब प्रतीक हैं, वो पहले ही बता चुके हैं। ऐसी भगवती का रक्ताभ और चतुर्भुजा युक्त भगवती का, और ये चार आयुधों से युक्त जो स्मरण करते हैं, वो स्मर माने कामदेव को भी सम्मोहित कर लेते हैं। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था ना, तो वो अत्यंत सुंदर था। मणिस्यूतताटंकशोणास्य बिंबां हरित्पट्टवस्त्रां त्वगुल्लासिभासा त्वगुल्लासिभूषां हृदाभावयंस्तप्तहेमप्रभां त्वां श्रियो नाशयत्यम्ब चाञ्चल्यभावम्। तो 13वें श्लोक में विद्या वाचस्पति कैसे बना जाए, उसके लिए ध्यान की विधि बताई, और 14वें श्लोक में स्मर को भी कैसे सम्मोहित किया जाए, उसके ध्यान की विधि बताई, और 15वें श्लोक में लक्ष्मी का आकर्षण कैसे किया जाए, धनपति कुबेर कैसे बनाया बना जाए, उसके लिए ध्यान बताते हैं कि मणिस्यूत ताटंकम, मणियों से बना हुआ कान का कुंडल, शोणास्य बिंबाम, और आस्य बिंब शोण यानी लक्ष्मी लाल है ना, तो मुखाकृति लाल, और हरित पट्ट वस्त्राम, और हरे रंग के वस्त्र पहने हुए, त्वगुल्लासी भूषाम, और उनकी जो चमड़ी है वो भी हरे रंग की,
हरित वर्णा और हरे रंग के आभूषणों से सुशोभित। तो ये त्वाम एवं रूपेण हृदि भावयन, हृदय में जो भावना करते हैं, और तप्त हेम प्रभाम, और तपाए हुए सुवर्ण के समान, तप्त कांचन के समान प्रभा से युक्त ऐसी आपका जो ध्यान करते हैं, तो उनके लिए लक्ष्मी चांचल्य भाव को छोड़ करके नित्य निवास करती है। श्रियः चांचल्य भावम नाशयति, जो धन की जो चंचलता है उसको स्थिरता में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार का ध्यान। महामंत्र राजांत बीजं पराख्यं स्वतो न्यस्त बिंदु स्वयं न्यस्तार्धं भवद्वक्त्र बक्षोज गुह्याभिधानं स्वरूपं सकृत भावयेत् स त्वमेव। और महामंत्र राज, तो वही जो कादि विद्या है और उसमें जो अंतिम बीज है पराख्यम, सौहु ऐसा भी कहते हैं, कोई श्रीम ऐसा कहते हैं, ऐसा ऐम क्लीम सौहु, ये बाला का अंतिम बीज हो गया, और श्रीम ये श्री विद्या का अंतिम बीज है, तो पराख्यम। स्वतो न्यस्त बिंदुम स्वयं न्यस्त हार्दम, और उस बिंदु में अपनी बुद्धि वृत्ति का न्यास कर देना, वही आत्मरूप से उसकी भावना करना कि मैं वही हूँ, तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि। स्वतो नस्त बिंदुम स्वयं न्यस्त हार्दम भवद्वक्त्र बक्षोज गुह्याभिधानम्, और आपका मुख और आपका बक्षोज मंडल और आपका गुह्य स्थान, इनका जो ध्यान करते हैं वो तत्स्वरूप हो जाते हैं, वही भवानित्वम दासे मयि वितर दृष्टिम सकरुणा इति स्तोतुम वांछन कथयति भवानित्वमिति तदैवत्वम तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीम, तत्स्वरूप हो जाते हैं। स्वरूपम सकृत भावयेत यत यह स त्वमेव, स्वरूपम सकृत भावयेत स त्वमेव, वह तुम ही हो जाता है, स सदैव होती, सच्चिदानंद रूप ही हो जाता है, सच्चिदानंद का ब्रह्मविद ब्रह्मैव होवति, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, पहले भी ब्रह्म था और ब्रह्म में ही लय हो गया। तथा अन्ये विकल्पेषु निर्विण्ण चित्ता स्तदेकं समाधाय बिन्दुत्रयन्ते परानंद संधान सिंधौ निमग्नाः पुनर्गर्भरंध्रम न पश्यन्ति धीराः। और अन्य विकल्पेषु निर्विण चित्ता, ये जो मीमांसा न्याय और व्याकरण और ये सब पढ़ना है और इनके द्वारा एकदम भ्रांत बुद्धि हो जाता है, इन सारे विकल्पों से निर्विण माने विरक्त चित्त हो करके तदेकम ते बिंदु त्रयम समाधाय, वो जो तुम्हारे जो तीन बिंदु हैं वो सूर्य चंद्र और अग्नि, ठीक है ना, तो सूर्य को मुख बना लो और अग्नि सोम को स्तनद्वय बना करके, हृदय बना करके, और जो परानंद सिंधु में, सिंधु के अनुसंधान में जो निमग्न है, ऐसे है, तो वो जो ये जो तीन बिंदु हैं यही अकार उकार मकार है, यही जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, इनके साक्षी रूप में जो चौथा बिंदु है वही परमानंद बिंदु है, उसको तुरीय बिंदु कहते हैं, उसी का नाम है परानंद सिंधु,
उसके अनुसंधान में जो निमग्न है फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, पुनः गर्भरंध्रम ते धीरा न पश्यन्ति। त्वदुन्मेष लीलानुबंधाधिकारान् विरिञ्च्यादिकान् स्त्वद्गुणाम्भोधि बिन्दून् भजन्तस्तितीर्षन्ति संसार सिन्धुम् शिवे तावकीना सुसंभावनेयम्। तो इस श्लोक में ये बताया कि आपके कृपा कटाक्ष से, आपके लीला अनुबंध से अधिकार को प्राप्त हुए, आपके संबंध से, आपका ध्यान चिंतन करने से जिनको ये शक्तियां प्राप्त हुई, ब्रह्मा आदि देवताओं को, तो वो आपकी शक्ति का एक बिंदु मात्र है और उस बिंदु को प्राप्त करके ये इतने शक्तिशाली हो गए कि संसार सिंधु में जो निमग्न पुरुष हैं उनको ये तार सकते हैं। तो जब कोई सीधे सीधा आपके संबंध में आ जाए और वो संसार से न तरे, इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है, यानी कि वो तो पार हो ही जाएगा। जब आपका सहारा लेने वाले दूसरों को पार कर देते हैं तो आपके सेवक, आपके सेवकों की जो सेवा करता है वो धनवान हो जाता है। तो जो स्वयं सीधे सीधे राजा की ही सेवा में जाए और वो निर्धन रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर 19वें श्लोक में, कदावा भवत पाद पोते न तूर्णम, आपके चरण रूपी जलयान में शीघ्र ही में बैठ करके इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाऊं और शांत मन पूर्ण मन हो जाऊं, तो उस समय दूसरे लोग जो संसार रूपी जहर के समुद्र में डूब रहे हैं उनको देख करके मेरा हृदय करुणापूर्ण कैसे न हो। तो जो मुझे मिला है मैं चाहता हूँ दूसरों को भी मिले। तो उदासीनता का भाव पूर्ण सिद्ध ज्ञानी में कभी नहीं होता, वो हमेशा करुणा से ही पूर्ण होते हैं। कदा वा ऋषि गाणि साम्यं भजेयुः, कदा वा न शत्रुर्न मित्रं भवानी, कदा वा दुराशा विशुचि विलोपः, कदा वा मनो में समूलं विनश्येत। वही जैसे वो शिव तांडव में है ना, दशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक श्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सहृद विपक्ष पक्षयो त्रिणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो समं प्रवर्तयन् कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। वही भाव है कि कदा हृषिकाणि इंद्रियाणि साम्यं भजेयुः, कब मेरी इंद्रियां समता को प्राप्त होंगी, कब मैं शत्रु मित्र में समभाव है, समत्वम योग उच्यते कहते हैं ना। है कदा वा न शत्रुर् न मित्रं भवानी, सबको मैं अपना आत्मस्वरूप ही देखूं। कदा वा दुराशा विशुचि विलोपः, और ये जो दुराशा रूपी विशुचि नाम का रोग है जो कभी नष्ट ही नहीं होती, इसका नाश कब होगा। कदा वा मनो में समूलं विनश्येत, कब मेरा मन समूल माने अज्ञान के साथ, अज्ञान ही उसका मूल है, अविद्या ही, अंतःकरण का मूल क्या है, अविद्या। तो अविद्या के साथ अंतःकरण का नाश कब होगा। नमो वाकमाशाश्महे देवि युष्मत् पदाम्भोज युग्माय तिग्माय गौरी विरिञ्च्यादिभास्वत् किरीट प्रतोली प्रदीपाय मान प्रभास्वराय। हे देवी युष्मत् पादाम्भोज युग्माय नमो वाकम
आशास्महे, आपके चरण कमल युगलों को जो कैसे हैं तिग्माय, अत्यंत प्रखर प्रकाश से युक्त, तीव्र ज्ञानमय, उनको मैं नमः ऐसी वाणी से उनकी स्तुति करता हूँ। नमो वाकम आशास्महे, हम निरंतर उन्हें नमस्कार करते रहें। कैसे चरण कमल हैं आपके, विरिंचादि भास्वत किरीट प्रतोली प्रदीपायमान, प्रभा भास्वराय, विरिंची आदि जो बड़े बड़े देवता हैं सृष्टि स्थिति लय करने वाले, उनके किरीट माने मुकुट में जो रत्न है उनके समूह से प्रदीपायमान, वहां पर वो आरती की तरह उन शिरों को घुमा रहे हैं चरणों में, उनकी प्रभा से भास्वरित प्रकाशित चरणों को मैं कब नमस्कार करूंगा। नमस्कार का मतलब होता है नमे, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तुम ही हो, ठीक है ना। जैसे कि वो जपो जल्प शिल्पम कहा ना, तो जपो जल्प शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना गति प्रादक्षिण्य क्रमण मशनाद्याहुति विधि प्रणाम संवेश सुखमखिलमात्मार्पण दिशा सपरिया पर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्। जो कुछ भी मेरे द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सब तव सपरियाय भवतु, तुम्हारी सेवा ही हो, तुम्हारी आराधना ही हो, कर चरण कृतम बा, वही वाली, तो उनको मैं नमस्कार करूं। कचे चंद्र रेखम कुचे चंद्रहारम करे स्वादुचापम शरे षट्पदौघम स्मरामि स्मरारेरभिप्रायमेकम मदाघूर्ण नेत्रम मदीयम निधानम। और भगवती का स्वरूप बताते हैं कि चंद्ररेखम कचे, बालों में बालचंद्र विराजमान है, कुचे तारहारम और बक्षस्थल पर अत्यंत महार्घ महारमणियों से भूषित हार शोभायमान है, अथवा तारहारम ओंकार अथवा ह्रींकार का ही हार है। और करे स्वादुचापम, और स्वादु माने प्रेम का धनुष आपने धारण किया हुआ है, प्रेम में आकर्षण शक्ति है ना, आकर्षण ही धनुष है, अथवा उनका जो ज्ञान है मन है। और शरे षट्पदौघम, और शर में वो पुष्पमय बाण है ना, तो वहां पर भौंराओं का समूह है, भ्रमर समूह, भ्रमर माने द्विरेफ, द्विरेफ को भ्रमर कहते हैं, और भ्रमर शब्द में भी रकार द्वय है, भ्र और मर, और रकार जो है वो अग्नि तत्व का है और अग्नि विद्या तत्व है, तो विद्या तत्व द्वय, ठीक है ना, एक तो जगत का ज्ञान, अविद्या जो ऋग्वेद आदि है उनको अविद्या कहते हैं, इसका ज्ञान, और तत्व ज्ञान जो ब्रह्मनिष्ठा है जो औपनिषद ज्ञान है उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, तो ये रकार द्वय है। तो आपने जो पुष्प बाण धारण किया है वहां पर भ्रमर जो रकार द्वय द्विरेफ है उनका समूह यानी मुनियों का समूह है, वो मुनि ही द्विरेफ है, उनका मैं स्मरण करता हूं, स्मरामी। और वो एक और विशेषण दिया, स्मरारे अभिप्राय मेकम, स्मरारे माने कामदेव के शत्रु, काम ही तो दुख का मूल है ना, काम एष क्रोधेश, यही काम है यही क्रोध है, एष काम एष क्रोध, ठीक है ना, एष राम एष राघव, राघव कहो चाहे राम कहो, काम कहो चाहे क्रोध कहो, एक ही है। तो स्मरारे अभिप्रायमेकम, अभिप्राय माने तात्पर्य ज्ञान, जो जगत गुरु शिव हैं उनका
तात्पर्य निर्णय जो है जिसको वो सर्वोच्च मानते हैं ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म विद्या ही दूसरी विद्या है, और उससे उसके प्रभाव से मदाघूर्ण नेत्रम आनंद में मस्त हो गए। भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ कहते हैं, मदाघूर्ण नेत्रम मदीयम निधानम। तो जिसका वो पुरारी स्मरण करते हैं और जिसको सर्वोच्च पदवी देते हैं वही मेरा निधान माने आश्रय है। मदीयम निधानम सरेष्वेव नाशाधनिष्वेव जिह्वा जप पाटले लोचने ते स्वरूपे त्वगेशा भवच्चंद्र खंडे श्रवो मे गुणे ते मनोवृत्तिरम्ब त्वयि स्याद। और वो जो प्रणवो धनु शरो ये आत्मा कहा जाता है ना, तो यहाँ पर सरेश्वेव नासा आपके जो शर हैं वो पंच पुष्प युक्त शर हैं, तो पुष्प में सुगंधि होती है, तो आप मेरी नासा आपके पुष्प बाणों में चली जाए, हमेशा उनका ध्यान करे, उनकी गंध का आग्रहण करे। और धनुषी रागो धनुषा, तो राग माने प्रेम, तो प्रेम रस में मेरी जिह्वा उसका रसपान करे, धनुषी जिह्वा। और ते जपा पाटले स्वरूपे लोचने लोचने, मेरी आँखें आपका जपा पाटल कल्हार पुष्पवत रक्तिम स्वरूप का दर्शन करें, और त्वक मेरी जो चमड़ी है वो आपके चंद्रखंड के स्पर्श का, शीतल स्पर्श का रसास्वादन करे, अनुभव करे, और मेरे कान आपके गुणानुवाद का श्रवण करें, और मेरी मनोवृत्ति हमेशा आप में ही लगी रहे, यानी कि नित्य ब्रह्मानुसंधान होता रहे। जगत कर्म धीरान वचो धूत कीरान कुचन्यस्तहारान कृपा सिंधु पुरान भवाम बोधि पारान महापाप दूरान भजे वेद सारान शिव प्रेम दारान। यहाँ पर भगवती के गुणों का वर्णन करते हैं कि उनमें सौंदर्य है, माधुरी है, धैर्य है और करुणा है, और वो निष्पाप हैं और वो वेद सार हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। तो जगत कर्म धीरान, जगत रूपी जो दुष्कर कर्म हैं उसमें धैर्य पूर्वक उसकी कंटिन्यूटी को, उसकी नैरंतर्य को बनाए रखना, इसमें बहुत धीरज की जरूरत है। तो ऐसे धैर्यपूर्ण और जिनकी वाणी की मधुरता से तोताओं की वाणी का माधुर्य भी तिरस्कृत हो गया है, ऐसे माधुर्य गुण संपन्न वाणी वाली और कुचन्यस्तहारान और भक्षस्थल पर ये चमकीले हार धारण करने वाली और हृदय में कृपा करुणा के समुद्र को बहन करने वाली, समुद्र करुणा से भरपूर हृदय वाली भवाम बोधि पारान, और ये जो अज्ञान रूप संसार है इससे पार, इससे बहुत दूर, संसार के अविद्या रूपी संसार का अतिक्रमण करने वाली, और महापाप दूरान, और अज्ञान से जो पाप वगैरह होते हैं उन सबसे दूर। कहा जाता है ना लोभ पापस्य कारणम, ये जो तृष्णा आशा लोभ और अज्ञान यही पाप के कारण है, इन सबसे दूर भजे वेद सारान, और वेदांत का सार, वेदांत का भी रहस्य, रहस्य स्वरूप शिव प्रेम दारान, और शिव की प्रेम पत्नी जो वैरागी ज्ञानी योगीश्वर शिव हैं
वो किसको प्रेम कर सकते हैं? वो ब्रह्म विद्या को ही प्रेम कर सकते हैं। तो उन ब्रह्म विद्या का मैं भजन करता हूँ। सुधा सिंधु सारे चिदानंद नीरे, अमृत के समुद्र के सार स्वरूप जो चैतन्यानंद है, उसके जल से भरपूर उस जल में समुत्फुल्ल नीपे, और वहाँ पर कदम्ब के पुष्प खिले हुए हैं, और सुरत्नांतरी पे, और उसमें अच्छे अच्छे रत्नमय सिंहासन पर बैठी हुई मणि व्यूहशाले और मणियों से रचित जो कक्ष है, महल है, उसमें और जो सुवर्ण से रचित सुवर्ण हेमशाले उसमें स्थित, और मनोजारी बामे कामदेव के जो शत्रु हैं उनके बाम भाग में निषण माने बैठी हुई, अथवा अर्धनारीश्वर स्वरूप में मेरा मन निषण हो जाए, स्थिर हो जाए, बैठ जाए। दृगंते बिलोला सुगंधी शुमाला, प्रपंचे इंद्रजाला विपत सिंधु कूला, मुनिस्वांतशाला नमल्लोकपाला, हृदय प्रेम लोला अमृत स्वादुलीला। अब यहाँ पर बड़े बड़े विचित्र और अद्भुत गुणों का वर्णन करते हैं। दृगंते बिलोला, जो आँखों का अंतिम भाग यानी किनारा है, जो कटाक्ष भाग है, वहाँ पर चंचल है, बिलोल विशेष लोल, कभी सृष्टि करती है जरूरत पड़ती है, और कभी प्रलय भी कर देती है। दृगंते बिलोला सुगंधीषु माला, और सुगंधी यानी पुण्यों की परंपरा, पुण्य से ही सुख होता है, स्वर्ग होता है, और सत्कर्म से पुण्य होता है, और सत्कर्म का ज्ञान वेद के द्वारा होता है, तो उनकी माला माने परंपरा। और प्रपंचेंद्र जाला, और ये जो प्रपंच रूपी इंद्रजाल माने जादू का खेल, कहाँ से आया और कहाँ चला गया, जादू में कहाँ से आता है और कहाँ विलीन हो जाता है कुछ पता नहीं लगता, तो प्रपंच ही इंद्रजाल है जिसका जादू का खेल है। और विपत सिंधु कूला, और विपत्ति रूपी समुद्र का किनारा यानी विपत्तियों की समाप्ति का स्थान, और मुनिस्वांतशाला और मुनियों का अंतरंग कोष्ठ, मुनि माने मननशील, उनके अंतर में जो सार तत्व ज्ञान स्वरूप झिलमिलाता रहता है, वो उनका अंतरंग कोष्ठ वो आप ही हो। और नमल लोकपाला, लोकपाल भी आपको नमस्कार करते हैं, लोकपाल वही वायु, आकाश, गणेश, दुर्गा और अश्विनी कुमार, या ऐसे ऐसा वैदिक वैदिक है, और सिंपल भाषा में पौराणिक भाषा में कहना हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश, उनके द्वारा नमस्कृत। हृदय प्रेम लोला, और हृदय जो है वो प्रेम से चंचल है। और मृतस्वादु लीला, और लीला जो चरित्र है वो अमृत स्वादु है। जगज्जालमेतत्त्वयैव अम्बसृष्टं, त्वमेवाद्ययासीन्द्रियैरर्थजालं, त्वमेवैककर्त्री, त्वमेवैकभोक्त्री, न मे पुण्यपापे, न मे बन्धमोक्षौ। तो ये जो सनातन धर्म की विशेषता है कि उपादान भी वही और निमित्त भी वही, जगत का कर्ता भी वही और जगत भी वही, कुम्हार भी वही और घड़ा भी वही, ऐसा। तो जगत जाल में तत् त्वयैवाम्ब सृष्टम, आपके द्वारा ही सृष्ट हुआ, और त्वमेव
अद्य इन्द्रियैः अर्थजालं प्राप्स्यसि। विषयरूप भी आप ही हो गई, आश्रय भी आप ही, विषय भी आप ही। अर्थजालम माने विषय जाल, इंद्रियों का विषय जो विषय का जो जाल है, विस्तार है, वो भी आप ही बन गई। इसलिए आप ही इसकी कर्ता हैं और आप ही इसकी भोक्ता हैं। त्वमेवैक कर्त्री त्वमेवैक भोक्त्री। अगर मैं दुखी होता हूँ इसका मतलब तुम ही दुखी हो रही हो, और मैं कर्म करता हूँ तो आप ही कर्म कर रही हो। तो कर्ता भोक्ता आप ही हो। न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्ष। तो पाप का फल होता है बंधन और पुण्य का फल होता है मोक्ष अथवा स्वर्ग। तो वो पाप पुण्य भी मुझ में नहीं है और बंध मोक्ष भी मुझ में नहीं है। अथवा अज्ञान से होता है बंधन और ज्ञान से होती है मुक्ति, और पाप से होता है बंधन और पुण्य से होती है मुक्ति। तो वो सब मेरे में नहीं है। इति प्रेम भारेण किंचिन्मयोक्तम् न बुद्ध्वैव तत्त्वं मदीयं त्वदीयं विनोदाय बालस्य मौर्ख्यं हि माता स्तदेतत् प्रलापस्तुतिं मे गृहाण। तो किंचित प्रेम भारेण मया उक्तम्, प्रेम से भरपूर होकर के मेरे द्वारा, जैसे बालक कुछ कहे अपनी माता के बारे में लेकिन वो माता के महात्म्य को संपूर्ण रूप से न जानते हुए भी कुछ न कुछ बोलता है तो माता उसे स्वीकार कर लेती है। न बुद्ध्वैव तत्त्वम्, आपका तत्व आपके रहस्य को न जानते हुए भी है मेरे द्वारा त्वदीयम् तत्त्वम् बुद्ध्वा विनैव, बिना जाने ही जो कुछ मेरे मूर्खतापूर्ण अज्ञानपूर्ण, तो आप इसको बालक का विनोद समझ करके इस प्रलाप रूप स्तुति को हे माता कृपा करके आप ग्रहण करें। तो ये भगवत्पाद शंकराचार्य कृत देवी भुजंग संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।